हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द करंट अफेयर सेशन फॉर 7th अक्टूबर। स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू से। फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कंट्री ने ऑनर किया है विवेक लाल को विद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यूएसए। सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन हैव बीन अवार्डेड विद नोबल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज स्वांते पाबो। थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव बीन द होस्ट कंट्री फॉर वर्ल्ड हैबिटेट डे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज तुर्की। फोर्थ है, नगोर्नो कराबाख इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अर्मेनिया एंड अजरबैजान। करंट अफेयर्स देखते हैं आज के। नोबल प्राइज मिला है लिटरेचर में एनी अर्नॉक्स को। फ्रेंच ऑथर हैं ये, और इनका जो मेन एरिया रहा है कि इन्होंने बड़ी करेज और बड़ी एक्यूटी के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ इन्होंने अनकवर की हैं रूट्स, इंस्ट्रेंजमेंट एंड कलेक्टिव रिस्ट्रेंट्स ऑफ पर्सनल मेमोरी, की इनकी अपनी लाइफ की जो इंस्ट्रेंजमेंट्स रही हैं, जो ये लोग अपने पार्टनर से अलग हुई या कलेक्टिव जो भी इन्होंने चैलेंजेस फेस किए, उनको इन्होंने एक मेमोयर्स की फॉर्म में पेश किया है। इट मीन्स पर्सनल मेमोरीज को इन्होंने बुक्स में लिखा है। इन्होंने स्टार्ट की थी ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल से, बट इन्होंने धीरे धीरे जो है मेमोयर्स जो थे ये लिखने लग गई। उनकी 20 से ज़्यादा जो बुक्स हैं वो बड़ी शॉर्ट क्रॉनिकल इवेंट्स हैं इनकी अपनी लाइफ के बारे में, या इनके जो आसपास लोग हैं उनकी लाइफ के बारे में। इसमें ज़्यादातर जो इंस्टांसिस हैं वो क्या पोर्ट्रे करते हैं, सेक्सुअल इनकाउंटर्स जो इन्होंने फेस किए, अबॉर्शन जैसे केसेस, इलनेस एंड इनके जब पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। देन इनकी मोस्ट क्रिटिकली अक्लेम्ड जो बुक है, फेमस बुक है, द ईयर्स, इट मीन्स इन फ्रांस, फ्रेंच, लेसनीस, और ये पब्लिश हुई थी 2008 में, जिसमें डिस्क्राइब किया गया है इन्होंने अपने बारे में और एक बड़ी फ्रेंच सोसाइटी के बारे में, कब से कब तक, वर्ल्ड वॉर टू से लेकर प्रेजेंट डे तक। लास्ट ईयर का जो प्राइज़ है ये मिला था तंजानियन बॉर्न यूके बेस्ड राइटर अब्दुल रजा कुरना को, जिनके नोवेल्स जो थे वो बेस्ड थे, एक्सप्लोर करते थे इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन ऑन इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटीज़। और आपने ये भी याद रखना है कि इंडिया में वन एंड ओनली पर्सन जिनको नोबल प्राइज़ मिला है लिटरेचर में वो है रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में इनको ये अवार्ड मिला था। नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेशन चक्र। सीबीआई ने लॉन्च किया है ऑपरेशन चक्र अगेंस्ट साइबर क्रिमिनल्स जो फाइनेंशियल क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं, और इन्होंने कैरी आउट की रिसर्च एट 105 लोकेशन अक्रॉस मल्टीपल स्टेट्स। और रिसेंटली गुरुग्राम में इन्होंने फेक कॉल सेंटर भी बस्ट किया, जो क्या करता था, बेसिकली स्पैम कॉल्स करता था कैनेडा, यूएस जैसी कंट्रीज में। देन ऑपरेशन चक्र जो है ये कोऑर्डिनेट करके लॉन्च किया गया था इंटरपोल के साथ, एफबीआई, दैट इज़ फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यूएस की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है ये, देन रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस एंड ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस। देन इस ऑपरेशन का मेन इंटेंशन क्या थी कि ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसमेंटल करना, डिस्ट्रॉय करना जो इंटरनेशनल साइबर क्राइम गैंग से रिलेटेड है। सीबीआई के बारे में पढ़ लेते हैं। सीबीआई की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी, या इसकी जो रिकमेंडेशन दी थी कि सीबीआई की एजेंसी होनी चाहिए, सांथनम कमेटी ने जो बनाई गई थी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। सीबीआई जो है एक स्टैचूचरी बॉडी नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपने याद रखना है। देन सीबीआई अपनी पावर्स कहाँ से डिराइव करती है, पावर्स कहाँ से मिलती है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 से। सीबीआई जो है ये मेन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, ये मेजर रोल प्ले करती है करप्शन को रोकने के लिए, इंटेग्रिटी मेंटेन करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में। इसके अलावा असिस्टेंस प्रोवाइड करती है ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को एंड लोकपाल को। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपॉइंट करती है डायरेक्टर ऑफ सीबीआई, और इसके लिए एक कमेटी बनाई जाती है। ये कमेटी रिकमेंडेशन देती है कि सीबीआई के डायरेक्टर कौन होगा। 3 मेंबर कमेटी होती है कंसिस्टिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज चेयरपर्सन, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लोकसभा एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और अगर चीफ जस्टिस नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेटेड बाय चीफ जस्टिस। नेक्स्ट देखते हैं विशाल किसान सम्मेलन। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एंड सहकार भारती ने ऑर्गेनाइज किया है विशाल किसान सम्मेलन। एक वर्कशॉप है कहाँ पे, बयानपुर विलेज सोनीपत इन हरियाणा, और ये टारगेटेड कैंपेन है अंडर नमामि गंगे प्रोग्राम एंड अर्थ गंगा। और इसका एम क्या है, प्रमोट करना नेचुरल फार्मिंग अमंग द फार्मर्स इन द गंगा बेसिन, की गंगा बेसिन के आसपास जो फार्मर्स हैं उनको अवेयर करवाना नेचुरल फार्मिंग के बारे में, नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करना। एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दैट इज एक एग्रीमेंट साइन हुआ है बिटवीन नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एंड सहकार भारती ऑन 16th August 2022। और इसका एम क्या है कि एक सस्टेनेबल एंड वायबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव करना थ्रू पब्लिक पार्टिसिपेशन, और स्ट्रेंथन करना लोकल कोऑपरेटिव को, ताकि वो अर्थ गंगा का जो मैंडेट है कि गंगा बेस्ड इकोनॉमी जो है
उसको फुलफिल करने में अपना रोल प्ले कर सकें कोऑपरेटिव्स। देन इनका मेन एम क्या है कि लोगों को रिवर के साथ जोड़ना थ्रू अ ब्रिज ऑफ इकोनॉमिक्स। देन कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव्स जो हैं इस एमओयू के, वो क्या है कि 75 विलेजेस को आइडेंटिफाई किया जाएगा 5 स्टेट्स में, जिनको डेजिग्नेट किया जाएगा फिर सहकार गंगा ग्राम्स, और इन विलेजेस में प्रमोट की जाएगी नेचुरल फार्मिंग। देन फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं स्टेट में गंगा किनारे पे, उनको प्रमोट किया जाएगा, मतलब उनको डेजिग्नेट किया जाएगा कि वो मोर नेट इनकम पर ड्रॉप, कि गंगा वाटर को यूज़ करके वो नेचुरल फार्मिंग करें, किसानों को अवेयर करें, और इनका जो एक गोल है कि मोर नेट इनकम पर ड्रॉप, इसके अलावा ऑर्गेनिक प्रोड्यूस जो है उसको भी प्रमोट कर रहे हैं अंडर ब्रांड गंगा, जिसमें मार्केटिंग लिंकेजेस जो है क्रिएट किए जाएंगे, मार्केट के साथ जोड़ा जाएगा, पीपल रिवर कनेक्ट जो है इनको बढ़ाया जाएगा थ्रू इकोनॉमिक ब्रिज एट्सेट्रा। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है इंडियन शिप्स जो हैं डिप्लॉय की गई हैं, द शिप्स ऑफ फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन कंप्राइजिंग INS तीर, INS सुजाता एंड कोस्ट गार्ड शिप सारथी, ये पोर्ट अल जो है कुवैत में डिप्लॉय की गई हैं। कहाँ पे? पर्शियन गल्फ में। किस पर्पज़ के लिए? ट्रेनिंग डिप्लॉयमेंट के लिए। 3 डे ये पोर्ट विजिट है, जिसमें प्रोफेशनल इंगेजमेंट्स की जाएंगी, क्रॉस शिप विजिट्स करवाया जाएगा, कम्युनिटी आउटरीच जो है करवाया जाएगा, सोशल इंटरेक्शंस की करवाई जाएंगी बाकी कंट्री के मेंबर्स के साथ। देन डिप्लॉयमेंट जो है इसका एम क्या है कि ट्रेनिस को एक्सपोज करवाना कि कैसे सी पोर्ट्स जो सी है और पोर्ट है उनसे फेमिलियराइज करवाना, और कैसे पोर्ट्स के ऊपर काम जो है किया जाता है, ऑपरेशंस कंडक्ट किए जाते हैं, इसके बारे में अवेयर करवाना। देन प्रेजेंट डिप्लॉयमेंट जो है एक अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करेगी, इसमें ट्रेनीज जो हैं सोशो पोलिटिकल मिलिट्री एंड मेरीटाइम लिंकेजेस जो हैं इंडिया के बाकी कंट्रीज़ के साथ, बाकी फ्रेंडली कंट्रीज़ के साथ, उसको एक्सप्लोर कर पाएंगे इन आर मेरीटाइम नेबरहुड। पर्शियन गल्फ आप ये देख सकते हो, ये है पर्शियन गल्फ, और इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज आपने याद रखनी है ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, कतर, ये है बहरीन एंड UAE एंड देन ओमान। ये सारी कंट्रीज आपने याद रखनी है, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। और पर्शियन गल्फ के साथ जो है एक गल्फ है, गल्फ ऑफ ओमान, तो ये आपने याद रखना है। और पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान के साथ कौन सी स्ट्रेट जोड़ती है? स्ट्रेट ऑफ होर्मूस, तो ये भी आपने याद रखना है, स्ट्रेट ऑफ होर्मूस। नेक्स्ट देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विजिट किया हिमाचल प्रदेश में, इन्होंने फाउंडेशन स्टोन जो है रखे कुछ प्रोजेक्ट्स के, कहाँ पे प्रोजेक्ट जो है दे वर्थ ओवर ₹3,650 करोड़, कहाँ पे? लोनू इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। देन पीएम ने डेडिकेट किया एम्स बिलासपुर नेशन को। देन पीएम ने इनॉग्रेट किया गवर्नमेंट हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, कहाँ पे? बांडला, ये भी बिलासपुर में है। देन पीएम ने फाउंडेशन स्टोन रखा मेडिकल डिवाइस पार्क, कहाँ पे? नालागढ़ में। इसके अलावा फाउंडेशन स्टोन रखे 4 लेनिंग ऑफ नेशनल हाईवे से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के, वर्थ ओवर 1,690 करोड़। नेक्स्ट है, वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की ग्रोथ को प्रोजेक्ट किया है अराउंड 6.5%, इंडिया की जो इकोनॉमी है 6.5 के रेट से ग्रो करेगी। ये जो प्रोजेक्शन है ये है फॉर फिस्कल ईयर 2022-2023, और ये पिछले साल से 1% कम आया है, मतलब पिछले मंथ से, पिछले जो प्रोजेक्शंस थी जून 2022 में, ये प्रोजेक्शन जो थी वो 1% ज़्यादा थी। देन लेटेस्ट साउथ एशियन इकोनॉमिक फोकस जो है जो रिलीज़ किया गया है, इसमें ये नोट किया गया कि इंडिया जो है वो बाकी जो वर्ल्ड की इकोनॉमीज है उससे काफ़ी अच्छे वे में रिकवर करेगा। देन इंडियन इकोनॉमी जो है 8.7% लास्ट ईयर जो थी प्रोजेक्ट की गई थी। देन फिफ्थ असेंबली इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, ये होने जा रही है न्यू दिल्ली में 17 से 20 अक्टूबर 2022 में। श्री आर के सिंह जो यूनियन मिनिस्टर हैं फॉर पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये प्रिसाइड करेंगे असेंबली को। इसके अलावा 109 कंट्रीज के जो लीडर्स हैं वो भी अटेंड करेंगे इस असेंबली को। असेंबली जो है इसका मेन फोकस इस पे रहता है, 3 क्रिटिकल इश्यूज पे, एनर्जी एक्सेस, एनर्जी सिक्योरिटी एंड एनर्जी ट्रांजिशन। यानी असेंबली जो है ये एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जिसमें हर एक मेंबर कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो ISA का पार्ट है। असेंबली जो है ये अलग अलग मैटर्स के ऊपर डेलीब्रेशंस करती है, जैसे ISA के ऑब्जेक्टिव हो गया, इसकी फंक्शनिंग होगी, देन ऑपरेशनल बजट जो है उसको अप्रूव करना, और इससे रिलेटेड जो है फर्स्ट असेंबली जो है ISA की, ये अक्टूबर 2018 में हुई थी ग्रेटर नोएडा में, दैट इज़ NCR रीजन ऑफ न्यू दिल्ली। देन ISA के बारे में आपने याद रखना, ISA जो है ये 2015 में फाउंड हुई थी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पेरिस में। इसके फाउंडिंग मेंबर हैं फ्रांस एंड इंडिया। देन इनका हेडक्वार्टर जो है
वो कहाँ पे है? ISA का गुरुग्राम में, दैट इज इन हरियाणा। और ISA को रिसेंटली ऑब्जर्वर स्टेटस दिया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, ये भी आपने याद रखना है। देन इनका एक मेन इनिशिएटिव है वन सन वन वर्क वन ग्रिड अलायंस, वन ग्रिड इनिशिएटिव, तो ये आपने याद रखना है। और मोर देन 100 जो है कंट्रीज ISA की मेंबर्स हैं। और ये जो असेंबली है ISA की, ये एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया जो है लार्जेस्ट इंपोर्टर बना है एंड एक्सपोर्टर बना है शुगर का। इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बना है शुगर का। रिकॉर्ड अमाउंट ऑफ शुगर केन जो है प्रोड्यूस की गई है, अराउंड 5,000 लाख मैट्रिक टन अक्टूबर से लेकर सितंबर 2021 से लेकर 2022 तक। इनमें से 35 लाख मैट्रिक टन शुगर जो है इथेनॉल प्रोडक्शन में यूज़ किया गया है। इसके अलावा 359 लाख मैट्रिक टन जो है शुगर ये प्रोड्यूस की है शुगर मिल्स ने। शुगर केन के बारे में पढ़ लेते हैं। शुगर केन को कल्टीवेशन में टेम्परेचर कितना चाहिए? बिटवीन 21 to 27 डिग्री सेल्सियस। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। रेनफॉल जो चाहिए 75 से 100 सेंटीमीटर्स तक। सॉइल टाइप इसमें कौन सी चलेगी? डिप रिच लोमी सॉइल, और वी कैन से एलुवियल सॉइल। देन हालांकि जितनी भी वराइटीज हैं सॉइल्स में सब में ग्रो कर जाता है सैंडी से लेकर लोमी तक, बट ये सॉइल्स जो हैं इसमें मैंडेटरी कंडीशन क्या है कि वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। देन मैनुअल लेबर की ज़रूरत पड़ती है हर सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग सीजन तक। मेन सोर्स है शुगर केन से क्या निकलता है? शुगर निकलता है, गुड दैट इज जैगरी, खंडासरी, शक्कर जिसको बोलते हैं, एंड मोलासिस। मोलासिस क्या है? बेसिकली एक लिक्विड होता है जो शुगर से डिराइव किया जाता है, ब्राउन कलर का डार्क लिक्विड होता है ये। देन शुगर केन प्रोड्यूसिंग जो स्टेट्स हैं इंडिया में, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सबसे ज़्यादा गन्ना जो है उत्तर प्रदेश में होता है, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। नेक्स्ट देखते हैं, 66 धम्म चक्र प्रवर्तन डे जो है सेलिब्रेट किया गया है दीक्षा भूमि कहाँ पे? नागपुर, महाराष्ट्र में। इस दिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने एम्ब्रेस किया था बुद्धिज्म, बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया था, और विजयदशमी का दिन था वो 14 अक्टूबर 1956 में, और लैक्स ऑफ फॉलोअर्स जो थे इनके साथ उन्होंने भी बुद्धिज्म अडॉप्ट किया था, और तब से लेकर इस डे को धम्म चक्र प्रवर्तन डे की फॉर्म में ऑब्जर्व किया जाता है। देन मिलियन ऑफ फॉलोअर्स जो हैं इनके वो दीक्षा भूमि में उन्होंने विजिट किया, और वहाँ पे सेंट्रल मेमोरियल है डॉक्टर बाबा साहिब का। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बारे में पढ़ लेते हैं। इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस थे। देन चीफ आर्किटेक्ट थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। देन इन्होंने कैंपेन किया अगेंस्ट सोशल डिस्क्रिमिनेशन टुवार्ड्स अनटचेबल्स पूरे नेशनल मूवमेंट्स के दौरान। देन इन्होंने इस्टेब्लिश की थी बहिष्कृत हितकरणी सभा ताकि जो अनटचेबल सेक्शन है उनके लिए एजुकेशन और सोशो इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट को प्रमोट किया इन्होंने। देन इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो है वो फाउंड की 1936 में। इसके अलावा शेड्यूल कास्ट फेडरेशन इन्होंने फाउंड की 1942 में। देन इन्होंने महाड़ सत्याग्रह को लीड किया था जो बेसिकली एक फाइट थी फॉर द राइट ऑफ अनटचेबल कम्युनिटी, क्योंकि उस टाइम पे जो महाड़ कम्युनिटी थी उनको जो पब्लिक टैंक्स हैं वहाँ से वाटर ड्रॉ करने नहीं दिया जाता था, तो इसके अगेंस्ट इन्होंने सत्याग्रह चलाया, महाड़ सत्याग्रह। 1932 में इन्होंने पूना पैक्ट साइन किया था गांधी जी के साथ। देन ये अपॉइंट किए गए थे चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी, और ड्राफ्टिंग कमेटी थी इसका मेन एम क्या था या मेन इनका फंक्शन क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना, एक प्रपोजल बनाना कॉन्स्टिट्यूशन का। ये कुछ MCQs हैं लास्ट सेशन के, इनको आप अटेम्प्ट कर सकते हो, उनके आंसर्स आप अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। इस वीडियो की या इस PPT की जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।